इस समय मार्केट में हरे ताजे मटर बहुत सस्ते हैं और यही समय है मटर को स्टोर यानी कि फ्रोजन करने का। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मटर को फ्रोजन या स्टोर करने का ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप हरे मटर को 1 साल से 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं और ये खराब नहीं होंगे और ना ही हम इसमें किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव का यूज करेंगे और ना ही नमक और शुगर का। तो चलिए देखते हैं हरे ताजे मटर को 1 से 2 साल तक कैसे स्टोर या फ्रोजन करें। हरे मटर को फ्रोजन करने के लिए मैंने 2 किलो हरे मटर लिए हैं। आप जितने भी मटर स्टोर करना चाहते हैं उतने ले सकते हैं। ये आपकी खपत के ऊपर है कि आप साल भर में कितने मटर का यूज करते हैं। सबसे पहले हरे मटर को छांटना होगा, तो इसके लिए हमें लेना है इस तरह की जो छलनी होती है ना, गेहूं या चावल छानने की, या फिर इस तरह की टोकनी भी ले सकते हैं। पहले तो खराब मटर जो आपको ऊपर ही दिख रहे हैं उनको निकाल देना है, क्योंकि इस तरह के खराब मटर को स्टोर करेंगे तो ये सारे मटर को खराब कर सकते हैं। ये देखिए, हमने सारे खराब मटर को निकाल दिया है। अब छलनी को इस तरह से हिलाएंगे कि सारे बड़े मटर ऊपर आ जाएंगे। फिर ऊपर के मटर को निकाल लेंगे और अलग बोल में रखते जाएंगे। ऐसा करके हम सारे बड़े मटर को छांट लेंगे। ये काम आप मटर छीलते समय भी कर सकते हैं, लेकिन हम महिलाओं को इतना काम होता है कि मटर छीलने का काम हमें अन्य सदस्यों को देना पड़ता है। कई बार हम मटर छीलने का काम बच्चों को भी दे देते हैं, तो इस तरह से सारे मटर मिक्स हो जाते हैं। और ये लीजिए, बातों ही बातों में सारे मटर छट गए। और ये जो बारीक यानी कि छोटे मटर छलनी में रह गए हैं उनको हम सब्जी या पुलाव वगैरह बनाने में काम में ले सकते हैं। और ये देखिए, एकदम एक समान मटर छटकर तैयार है। तो चलिए इनको फ्रोजन करने का काम शुरू करते हैं। अब हम एक बड़े गहरे बर्तन में इतना पानी लेंगे जितने में हमारे मटर डूब जाए। पानी को उबाल आने तक गर्म करेंगे, कवर कर देते हैं जिसमें पानी में जल्दी उबाल आ जाएगा। पानी में उबाल आने लगा है, अब हमने जो हरे मटर को छाट कर रखा था उन सभी मटर को उबलते पानी में डाल देंगे और अब आंच मीडियम और हाई रखेंगे और मटर को 3 मिनट तक पकाएंगे। ध्यान रखेंगे कि मटर को पानी में उबाल आने तक नहीं पकाना है, क्योंकि अगर आप मटर को पानी में उबाल आने तक बहुत ज्यादा पकाएंगे तो मटर ओवर कुक हो जाएंगे और इन्हें आप ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। ये 3 से 4 महीने में ही खराब होने लगेंगे। 3 मिनट के बाद गैस बंद कर देना है और बर्तन को ढककर 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मटर तैरकर ऊपर आ जाएंगे इस तरह से। अब एक अलग बर्तन में सादा पानी लेना है जितने में मटर डूब जाएं। पानी में बर्फ डालेंगे, हमें इस पानी को एकदम ठंडा लेना है। अब मटर को गर्म पानी से निकालकर सीधे बर्फ वाले ठंडे पानी में डालना है। मटर को बर्फ वाले ठंडे पानी में डालने के 2 रीजन है। पहला ये कि गर्म पानी से मटर को निकालने के बाद भी ये गर्म होने के कारण खुद की स्टीम में पकते जाएंगे, इसलिए इनका कुकिंग पॉइंट रोकने के लिए इनको ठंडे पानी में डालना जरूरी होता है। और दूसरा, इनका कलर बरकरार रखने के लिए मटर को ठंडे पानी में डाला जाता है। ठंडे पानी में डालने के बाद इनको 2 मिनट के लिए ठंडे पानी में ही छोड़ देंगे, जिसमें ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएं बिल्कुल अंदर तक। 2 मिनट के बाद मटर को छलनी में निकाल लेंगे जिसमें हरे मटर का अतिरिक्त पानी निकल जाए। इसके लिए इनको छन्नी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब एक कॉटन क्लॉथ लेंगे और मटर को कपड़े में डालकर एकदम पतला पतला फैला लेंगे और इनको 20 से 30 मिनट तक यानी कि पानी सूखने तक छोड़ देंगे। ध्यान रखना है कि मटर को धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है, नहीं तो मटर सुकड़ जाएंगे। आप चाहें तो इनको पंखे की हवा में भी रख सकते हैं। हरे मटर से सारा पानी सूख गया है, अब मटर तैयार है फ्रोजन करने के लिए। इनको स्टोर करने के लिए या तो आप सिंगल जिप लॉक वाली इस तरह की पॉलीथिन का यूज कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि अगर आप इस तरह की छोटी छोटी पॉलीथिन का यूज करें, क्योंकि हमें एक बार में जितनी मटर की जरूरत होगी बस एक पॉलीथिन निकालें और यूज करें, ये आपके लिए आसान होगा। अगर पूरे मटर को इकट्ठा स्टोर करेंगे तो इनमें बर्फ के क्रिस्टल होने के कारण इनको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हमने सारे मटर को पॉलीथिन में पैक कर लिया है। अब इन छोटे छोटे पैक को हमें डबल पैकिंग करना है, तो इसके लिए एक इस तरह का एयर टाइट बॉक्स लेना है, और अगर एयर टाइट बॉक्स ना हो तो आप बड़ी जिप लॉक पॉलीथिन भी ले सकते हैं। सारे पैकेट को बॉक्स में रखने के बाद ढक्कन लगा देंगे और बस बॉक्स को डीप फ्रीजर में रख देंगे।
और ये जो एक पैकेट बचा है इसे अलग से रख सकते हैं, इसे हम पहले यूज कर सकते हैं। बस अब देर किस बात की, जल्दी से मार्केट से लेकर आए ढेर सारे मटर, और अगर आप इस तरह से स्टोर करेंगे तो मटर 1 से 2 साल तक खराब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले, इससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।